कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। मनपा अतिक्रम विभागातर्फे उल्हासनगर नेहरू चौक गोल मैदान परिसरात आणि काचोमल पुतळा या परिसरामध्ये टू व्हीलर आणि हातगाडीक अतिक्रम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे। तर बघूया पूर्ण बातमी। उल्हासनगर शहर में बहुत जगह जो मेन रोड है, मेन चौक है, गार्डन के एरिया है, वहाँ पे बहुत जगह पे हाथगाड़ी वाले ठेले वाले अपनी हाथगाड़ी लगाते हैं, जबकि वो नो ऑफर जोन है वहाँ पे उन फिर भी वो हाथगाड़ी लगाते हैं। इसके पहले हमने उनकी हाथगाड़ी उठा के जमा कर दी थी और उन्हें ताकीद दी थी कि वहाँ पे वापस अपनी हाथगाड़ी नहीं लगाए, क्योंकि वो नो ऑफर जोन है, वहाँ पे यातायात को, ट्रैफिक को काफ़ी सारी अड़चन होती थी। लेकिन हम हाथगाड़ी उनको वापस देते फिर भी वो लोग वही जगह पर जाके लगाते थे। तो इसलिए हमने भाई दो दिन पहले स्पेशल ड्राइव लिया था पूरे शहर में, जो मेन रोड और चौक है वहाँ पे जिस जिस जगह पे हाथगाड़ी थी या दुकानदारों ने अपने जो एक्सटेंशन बाहर निकाल दी जिसकी वजह से ट्रैफिक को परेशानी हो रही थी, इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस से भी हमको शिकायत आई थी। तो सभी प्रभाग अधिकारियों की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, हाथगाड़ी हटाने की, और जो दुकानों के एक्सटेंशन थे वो भी हटाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अन्य चीज़ों पर भी कार्रवाई होनी बाकी है। जिस प्रकार से कहा गया था कि फोर व्हीलर टू व्हीलर्स के ऊपर कार्रवाई, जो शोरूम्स हैं उनकी कार्रवाई, क्योंकि उनके वजह से काफ़ी ट्रैफिक की समस्या होती है, नागरिकों को चलने में दिक्कत होती है, लावारिस गाड़ियों को, इनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए आज ही हमने जो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर मिस्टर धरने उनके साथ काशामल पुतला जो है यूएमसी के नज़दीक वहाँ पर टू व्हीलर का बहुत बड़ा मार्केट है, वो जो टू व्हीलर के जो डीलर्स है वो जो मेन रोड है वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ रख के बेचते हैं। तो उनको इसके पहले ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नोटिस भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियां रोड से नहीं हटाई थी। तो आज ट्रैफिक पुलिस के साथ हम लोगों ने ये कार्रवाई की है, वहाँ पे जो गाड़ियां रोड पे खड़ी थी जिससे ट्रैफिक में बहुत सारी अड़चन हो रही थी वो गाड़ियां उठा के हमारे ऑफिस में जमा कर दिए। अभी उनके ऊपर फाइन लगेगा और फाइन लगाने के बाद वो गाड़ी वापस दी जाएगी, और ये जो फोर व्हीलर्स के ऊपर भी नेक्स्ट वीक में कार्रवाई की जाएगी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।